नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष ललाद्दे की लोकप्रिय कविता वाक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैसे तो ललाद्दे कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं और इनकी काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदी में कबीर, मीरा, तुलसी के पद और सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललाद्दे के वाक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इस प्रस्तुत पाठ में वाक का हिंदी अनुवाद मीरा कांत जी के द्वारा किया गया है और इन वाकों के माध्यम से कवित्री संसारिक बाह्य आडम्बरों का विरोध करते हुए कहती है कि हमें समान भाव से संसार की जो चीज़ें हैं उनका उपभोग करना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर जो है वो अहंकार की भावना समाहित हो जाती है। अब बच्चों, मैं आपको मीरा कांत के द्वारा अनुवाद किया गया वाक पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में हुटती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे की रस्सी क्या है? हमारी सांसें, जो किसी भी क्षण टूट सकती हैं, रुक सकती हैं। कवित्री कहती है, मैं उन सांसों के माध्यम से जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं अपने जीवन की नाव को सांस रूपी रस्सी, कच्चे धागे की रस्सी के माध्यम से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कब पड़ेगी। करे देव भवसागर पार, और वो मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो सभी व्यर्थ होते जा रहे हैं। कैसे व्यर्थ होते जा रहे हैं? जिस प्रकार कच्चे दोने में पानी को भर दिया जाता है और वो उसको पीने के बाद टपकना प्रारंभ कर देता है, उसमें पानी रुकता नहीं है, उसी प्रकार जितना भी मैं ईश्वर के पास जाने का प्रयास करती हूँ वो सारे प्रयास हमारे निरर्थक होते जा रहे हैं। जी में उड़ती रह रहे हूँ, और मेरे जी में ये हुक यानी कसक उठ रही है, घर जाने की चाह है घेरे। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, पता नहीं मैं अपने प्रभु से कब मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा के पास जाना चाहती हूँ, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने प्रभु से मिलूं, और वो इच्छा मेरी कब पूरी होगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड देखिए बच्चों, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी साकल बंद द्वार की। अब कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि हे मनुष्य, तो संसारिक जितने भी भोग विलास है इसमें मत खो जा, इसमें लीन मत हो जा, क्योंकि भोगों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संसार में विषय वासना भोग विलास में लिप्त होने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर तुम इनका उपभोग नहीं करोगे तुम्हारे अंदर क्या होगा? अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, तू भोग और त्याग के मद जो है उनको अपनाओ, इंद्रियों पर उचित संयम रखो, तभी तुम सुख और दुख जो भोग त्याग के बीच में समान भाव से रहना सीख पाओगे, और तभी तुम हर चीज का एक समान भाव से उपभोग कर पाओगे। खुलेंगी साकल बंद द्वार की, और तुम्हारे मन के जो बंद साकलें हैं, कुंडी हैं, वो खुलेंगी और तुम्हारा प्रभु से मिलन हो पाएगा। अब तीसरा देखिए, आई सीधी राह सी, गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माजी को दू क्या उतराई। देखिए यहाँ पे बच्चों, सुषुम सेतु जो है वो किसको कहा गया है? सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, ये नाड़ी जो होती इड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य में स्थित रहती है। और माजी कौन होता है? माजी होता है नाविक, जो कि हमें एक तरफ से दूसरे पार नाव से उतारता है। तो यहाँ पे कवित्री क्या कहती हैं? आई सीधी राह से, गई ना सीधी राह, कि मैं आई तो सीधी राह से, जब आई थी तो मैं सरलता से
धरती पर मैंने जन्म ले लिया, किंतु जब चल पड़ी उल्टी राह पर। कहने का तात्पर्य क्या है? कवित्री यहाँ पे कहना चाहती हैं कि परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग था उस पर मैं ठीक ही आई थी, ठीक ही चल रही थी, किंतु मैंने जल्दी में जो है वो हठयोग का मार्ग ही ढूंढ लिया, पकड़ लिया, और पर जीवन पर सुषमा नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, और मैं जीवन भर सुषमा सेतु पर खड़े होकर के उसको साधने का प्रयास करती रही, अपनी कुंडलियों को जागरण में लगी रही, कुंडलियां जगाने के प्रयास में लगी रही, और इसी में हमारा सारा जीवन बीत गया। बीत गया दिन, हाँ मतलब जितने भी जीवन के दिन थे इसी प्रकार व्यतीत हो गए। जीप टटोली कौड़ी ना पाई, और उससे भी बड़ा दुख यह है कि जब मेरा अंतिम समय आया तो मैंने अपनी जेब को टटोला कि हमारा जीवन सारा व्यर्थ हो गया है। माझी को दुखिया उतराई जब परमात्मा को जवाब देने का समय आया और उसके पास जाने का समय आया तो उसको देने के लिए हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। बच्चों एक बार ध्यान से इसको देखिएगा कि कवित्री यहाँ पर कहने का प्रयास कर रही है कि आते समय जीवन में जन्म लेते समय मुझे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, और जब मैं गई तो मुझे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुषम सेतु पर खड़ी थी। सुषम सेतु क्या होता है? सुषमा नाड़ी के मध्य में मैं खड़ी थी। सेतु होता है पुल, ईश्वर से मिलने का स्थान, यहाँ से ईश्वर के पास तक जाने का रास्ता जो होता है, उस पर खड़ी थी, और पूरा दिन हमारा व्यतीत हो गया। और जब वो समय आया, जब ईश्वर से मिलने का समय आया, तो हमारी समझ में नहीं आया कि मैं ईश्वर को उसके बदले में अपने जेब से क्या दूं, क्योंकि मैंने तो जीवन में कभी सत्कर्म किया नहीं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं उस समय उसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। जो अब हम लोग चौथा वाला पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। कहते हैं यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि थल थल में, संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। क्या हिंदू है क्या मुसलमान है, तू इसमें किसी प्रकार का कोई भेद ना कर। अगर तू सच में ज्ञानी है, सबसे पहले तू अपनी अंतरात्मा में स्वयं को पहचानने का प्रयास कर, वही है साहिब से पहचान। अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया तो तुमने समझ लो कि तुमने परमात्मा को भी जान लिया, क्योंकि आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है। और जब तुम अपनी आत्मा को ही पहचान जाओगे, अपने आप को पहचान लोगे, तो तुम्हारा आत्म साक्षात किससे हो जाएगा? परमात्मा से हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर बहुत सीधी और सरल भाषा में कहा गया है कि थल थल में बसता है शिव, कल्याण का प्रतीक है। शिव सारे संसार के कण कण में विराजमान है, इसलिए हमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञानी हो तो सबसे पहले तुम अपने आप को पहचानो, वही ईश्वर की सच्ची पहचान है।